नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम तीन मीडिया स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। हम देखेंगे इनमें क्या न्यूज चल रही है जिसकी वजह से इनमें रैली आई है, और चार्ट के माध्यम से भी इनका एनालिसिस करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। अब सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स, नेटवर्क 18 स्टॉक में रिसेंट में काफ़ी अच्छी रैली आई थी, तो वॉल स्ट्रीट के हिसाब से इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। और अगर मैं देखूं तो इन्होंने एक नेत्र सुरक्षा करके कैंपेन भी लॉन्च किया है डायबिटिक आई डिजीजेस के अगेंस्ट, सॉरी के अराउंड इन्होंने एक लॉन्च किया है। तो ओवरऑल अच्छा काम कर रही है, रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। ये देखिए, अगर मैं रिजल्ट्स इनके बात करूं तो कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू इनका 31% बढ़ गया 1387 करोड़ के। तो यहाँ पर ये देखिए, सो इट्स हाईएस्ट व्यूअरशिप शेयर इन Q2 FY22 11.8%। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि इनका अपना व्यूअरशिप शेयर जब बढ़ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। और इन यहाँ पे देखिए, तो ओवरऑल अगर आप पैड देखेंगे तो ये देखिए 200 करोड़ हो गई थी, जो कि पिछले YOY आप कह सकते हैं 3 times है। उसके रीजंस क्या है, रेवेन्यू परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्सपेंसेस एंड लोअर फाइनेंस कैट। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आए थे इस स्टॉक के। आइए अब मैं चार्ट पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ नेटवर्क 18 पे। तो यहाँ पे देखिए कितनी भयंकर रैली आई थी, 40 से 60 के बाद इन्होंने बहुत कंसोलिडेट किया था, उसके बाद जो रैली आई थी वो फिर ये 90-95 रुपये तक पहुँच गए थे, और अब काफ़ी ये करेक्ट हो चुके हैं। एक बार मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़े उसमें खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना करेक्ट हो चुके हैं, 95 रुपीज़ से ये आ चुके हैं आपके करीब 75 पे, तो करीब 25 से 30% का करेक्शन हो चुका है। इस टाइप में दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा छोटा सा 70 रुपीज़ के आसपास का, और उसके बाद आप अपने टारगेट्स को वेट करने का हिट करने का इंतजार करिए, जो कि रहेंगे 85, 90 और 95। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है इस स्टॉक में, तो आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। प्लस 20 क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिएगा। आइए दोस्तों, टीवी और टीन ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी वॉल स्ट्रीट ने एक आर्टिकल निकाला था, तो इन्होंने ये कहा था कि काफ़ी अच्छी राइज दिखाई है इसने 2 महीनों में अराउंड 20% की, बट इसके बाद भी इनका कहना है कि ये स्टॉक अभी भी काफ़ी अपनी आप कह सकते हैं कि सस्ता मिल रहा है कंपेयरिंग सारी चीज़ें। तो इंट्रेंसिक वैल्यू इस स्टॉक की 59.64 आ रही है, और उस टाइम ये स्टॉक 43 रुपीज़ के पास चल रहा था। इनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, इन्होंने करीब 231 करोड़ के इनकी भी प्रॉफिट हो गई है, रेवेन्यू में भी 29% का जंप दिखाया है, तो इनके भी रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे थे। स्टॉक देखिए यही 43 के आसपास चल रहा है, और इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रही है 59 रुपीज़ के आसपास की। तो इस टाइप के स्टॉक्स, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, न्यूज़ वाले स्टॉक्स हैं, तो इस टाइप के स्टॉक्स में आप स्टॉप लॉस के संग हमेशा ट्रेड करने का बना सकते हैं, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो। तो इसमें आप छोटा सा आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस रखिएगा करीब 39 रुपीज़ के आसपास का, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली लाइनें कितना स्ट्रॉन्ग इसके लिए वो बिहेव कर रही है। एक बार, दो बार, यहाँ पे 3-4 बार बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो 38-39 रुपीज़ का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और टारगेट्स रहेंगे हमारे इसमें 44 रुपीज़ और 48 रुपीज़। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी 1:1.5 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आएगा, तो इसमें भी आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, बट नेटवर्क 18 मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है इस प्राइस पे। अगर मैं NDTV की बात करूँ दोस्तों, तो इन्होंने एक्सक्लूसिव 10-ईयर डील साइन की है तबोला के साथ, जो कि करीब 750 करोड़ की है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एवर डील सही है APAC में, तो इसकी वजह से ही स्टॉक में लास्ट में हमें अपर सर्किट देखने को मिला था, तो 75 से यहाँ पे स्टॉक ने करीब अपर सर्किट मारा था। तो इस टाइप के स्टॉक में अब आपको 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है, 105 रुपये आपका पहला टारगेट 90 रुपये का रहेगा, उसके बाद 105 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। बट क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, तो पर्सनली मैं तो इस स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाऊंगा मैं, और क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 1-2 अपर सर्किट दे चुका है, तो आप बहुत सोच समझ के इसमें पोजीशन बनाइएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का,
तो वो भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 77-78 रुपीज़ है, इसके लिए काफ़ी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है हमारा लॉन्ग टर्म में भी। थोड़ा सा ये और गिर जाए 10%, तब मैं इसमें ज़रूर पोजीशन बनाऊंगा तो अकॉर्डिंगली, लेकिन ये केवल मेरा सजेशन है, आप जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने एनालिसिस के हिसाब से लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।